मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली से सानू। गरीबों का जीवन का स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पद्धर किवें चक सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर लोकार्पण के दिन देश भर में मनाए जा रहे जश्न की श्रृंखला में जिला भाजपा भी हर घर पर अयोध्या का ध्वज फहराने की तैयारी में जुटी है। भाजपा कार्यालय दीप कमल में इस अभियान को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है, जिसमें महिला मोर्चा के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भगवान राम के भजन गाते हुए सामान की पैकिंग की जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संदेश के साथ अयोध्या का ध्वज, एक दीपक, स्टिकर और एक कैलेंडर शामिल है। इस सामान को भाजपा के कार्यकर्ता 1 जनवरी तक जिले के प्रत्येक घर में पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनु ठाकुर ने कहा कि लंबे अरसे के बाद सनातन के लिए ये समय आया है कि भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर स्थापित हो रहे हैं। ये मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आगमन का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में जिलावासियों को भी इस जश्न में शामिल करते हुए हर घर पर भगवान राम का ध्वज फहराने की तैयारी की जा रही है। अनु ने कहा कि 22 जनवरी को हर घर में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाए जाएं। उन्होंने कहा कि रामलला की पुनः स्थापना पर दीपावली जैसा जश्न मनाने का ऐलान किया गया है और हर कार्यकर्ता इस जश्न में शामिल होगा। यहाँ पे आज मेरे पूरे ऊना जिला की टीम जो यहाँ पे आई हुई है, इसमें मेरे भाई युवा मोर्चा, मेरी बहनें, महिला मोर्चा की टीम जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आई है। तो ये हमारे 22 तारीख को जो मोदी जी ने हमारा राम मंदिर का निर्माण किया है, भव्य मंदिर रामलला प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, जिसमें ये सामग्री उन्होंने जो भेजी है, जिसमें एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एक पैम्पलेट छपा हुआ है और एक राम जी का झंडा है और साथ में एक दीपक है। तो ये सारा मटेरियल जो है हम कोशिश करेंगे कि 21 तारीख तक शाम तक हर घर हर द्वार के अंदर ये पहुंचाया जाएगा और 22 तारीख को हम अपने रामलला जी के उसके निर्माण के उपलक्ष के ऊपर जो है हम हर घर के ऊपर दिवाली मनाएंगे। तो जिसके लिए मैं अपने भाई अनुराग जी का और मोदी जी का तहे दिल से, मेरी पूरी जिला की टीम, मेरी महिला मोर्चा की टीम उनका धन्यवाद करती है कि उन्होंने इतना जो है वो इसके बारे में सोचा और हर घर तक ये जो बॉक्स है पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।